कुटिश प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में बहुबार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। जिसने राम रतन धन पा लिया, शेष कुछ पाने योग्य नहीं है। साधक जनों विश्वास रखो, जिन साधकों के नाम हरिद्वार के लिए स्वीकार हुए हैं, अगले सप्ताह आज ही के दिन पहला सत्संग शुरू होने वाला है। यदि उन्होंने निर्णय ले लिया हो किसी ने ना जाने का, मेहरबानी करके आज अपना नाम कटवा दें, हो सकता है किसी और को अवसर मिल जाए। धन्यवाद। परमात्मा की सुहृदता की चर्चा चल रही है। एकांगी हित करने वाला सुहृद, वन साइडेड, एकांगी हित करने वाला सुहृद, द्विपक्षी हित करने वाला मित्र, दोनों परस्पर हित करने वाले हैं उन्हें मित्र कहा जाता है। दोनों परस्पर वैर विरोध रखे हुए हैं उन्हें शत्रु कहा जाता है। जो हित करने वाले का भी अहित करे उसे शठ कहा जाता है। परमेश्वर को मात्र सुहृद नहीं परम सुहृद कहा जाता है। गीताचार्य के शब्द हैं, जो परमात्मा को परम सुहृद जान लेता है, इस बात पर, इस गुण पर, परमात्मा के इस गुण पर विश्वास कर लेता है, वह परम शांति प्राप्त कर लेता है। उसे निश्चिंतता मिल जाती है, उसके दुख मिट जाते हैं, उसके शोक दूर हो जाते हैं। इतना ही सोचना है ना, वह मेरे सिर पर बैठा हुआ है, फिर मुझे चिंता किस बात की। मेरा परम हितकारी है, परमात्मा अनुकूल है तो हितकारी, प्रतिकूल कुछ परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत करता है तो मंगलकारी, ऐसा विश्वास साधु का होना चाहिए। पुनः सुनो, परमात्मा आपको आपके सामने कोई अनुकूल परिस्थिति प्रस्तुत करता है तो वह परम हितकारी परिस्थिति, यदि प्रतिकूल परिस्थिति प्रस्तुत करता है तो वह महामंगलकारी। एक साधक का ऐसा विश्वास होना चाहिए, उसके घर में किसी का भी अहित नहीं है। अहित होता होगा प्रकृति करती होगी, परमात्मा नहीं। आपको बार बार कहा जाता है प्रकृति दंड देना ही जानती है, वह क्षमा नहीं कर सकती। आपने कुछ किया, आपको दंड प्रकृति द्वारा मिलके रहेगा। क्षमा परमात्मा के हाथ है। जिस किसी ने उसे अप्रोच किया क्षमा के लिए, परमात्मा उसे क्षमा अपने स्वभाव के अनुसार क्षमा कर देता है, प्रकृति नहीं कर सकती। प्रकृति सिर्फ सजा देना जानती है, दंड देना जानती है, वह दंड दे के रहती है। परमात्मा को इसीलिए परम सुहृद कहा जाता है, परम हितकारी कहा जाता है, सबका मित्र, सखा, स्नेही। सखा जानती हो दिव्य सज्जनों, किसे कहा जाता है, जो साथ बैठ के खाता है वह सखा। परमात्मा अपने आप को सखा कहता है, वह कभी अपने आप को गुरु नहीं कहता, कभी अपने आप को दयालु कृपालु नहीं मानता, कहता है मैं प्रेमी हूं, मैं इन सबका सखा हूं। सखा कौन? जो साथ बैठ के भोजन करे, सखा जो साथ बैठ के खाना खाए उसे सखा कहा जाता है। देखिए परमात्मा की महानता, हाउ ग्रेट हाउ मैग्नेनिमस ही इज, वह इतना महान होते हुए भी अपने आप को कितना नीचे वर्णन करता है। परमात्मा का स्वभाव ही साधक जनों इस प्रकार का है। देवेशी नारद को प्रभु कहते हैं, देवेशी जो एक नन्ना बालक बनके, शिशु बनके मेरी उपासना करता है, मैं उसकी रक्षा, उसका पालन पोषण ऐसे ही करता हूं जैसे एक मेहतारी अपने नवजात शिशु की करती है। ये छोटी बात नहीं है। अतएव साधक जनों, परमात्मा से सदैव विनती ही करते रहिएगा, परमात्मा मुझे नन्ना बना के रख, मैं तेरे सामने नन्ना ही बनके रहूं, नानक नन्ने बन रहो जैसे नन्ने दूब।
दूब ग्रास घास, सारी की सारी घास जल जाएगी, धूप खूब की खूब, उसे कुछ नहीं होता। वह झुकना जानती है, वह नन्ही बनना जानती है। अतएव साधक चलू, परम शांति चाहते हो, परमानंद चाहते हो, परमात्मा का परम हित उसके पात्र बनना चाहते हो, तो नन्हे बन के रहो। हे परमेश्वर, मुझे कभी बड़ा ना बनाना, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं तेरा नन्ना बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा ही सदा बना रहो। चर्चा चल रही थी उन माँ बाप की जिन्होंने अपने पुत्र को, बालक को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कहा, बेटा हम रहे ना रहे, तेरा असली बाप राजा वह कभी नहीं मरता, वह सदा जीवित रहता है। वह बड़ा कृपालु है, वह बड़ा दयालु है, सबका प्रेमी है। उसके होते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके होते हुए तुम्हें हमारी कमी भी कभी महसूस नहीं होगी। ऐसे संस्कारों से युक्त बालक स्कूल जाना शुरू हो गया है। स्कूल जाता है, जाके बहुत मेधावी बच्चा है। मानो स्कूल वालों को लगता है एक दिन स्कूल का नाम रोशन करेगा। और आगे बढ़ो, थोड़ा और बड़ा हो गया है, उसे लगता है, स्कूल वालों को लगता है, एक ना एक दिन ये देश का नाम रोशन करेगा, राज्य का नाम रोशन करेगा। आयु बढ़ती जा रही है, उसके माता पिता मर गए हैं, लेकिन वह उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। ऐसा विश्वास है, मेरा माता पिता जो असली है वह कभी मरता नहीं। मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर इस प्रकार के संस्कार डाले हुए हैं, यहाँ का राजा प्रजापालक है। उसके होते हुए बेटा तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अतएव कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं। रोज पाठशाला में आता है, बच्चे भी चकित हैं, मित्र इत्यादि चकित हैं कि इसे कोई फर्क ही नहीं है, इसके माता पिता मर चुके हैं। सभी के सभी अध्यापकों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करके तो उसकी फीस का प्रबंध करते हैं, उसके पालन पोषण का प्रबंध करते हैं, एवं रहने की व्यवस्था करते हैं। उसके पास कुछ नहीं है, माता पिता यूं कहिएगा कुछ भी उसके लिए छोड़ के नहीं गए। आज राजा साहब इंस्पेक्शन पर आए हैं, उनका स्कूल है, और स्कूल देखे हैं, इस स्कूल में भी आए हैं, इस बच्चे की कक्षा में भी आए हैं। प्रिंसिपल साहब से पूछा, हेडमास्टर होते होंगे उस वक्त, हेडमास्टर साहब से पूछा, इन सब बच्चों में से सबसे योग्य मेधावी बच्चा, कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा कौन है? कहा, ये अनाथ है, इसके माता पिता मर चुके हुए हैं, लेकिन परम विश्वासी है। खर्चा कैसे चलता है? राजा साहब ने पूछा। कहा, हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और इसका जो भी खर्चा है वह चलाते हैं, कपड़े इत्यादि, रहने का सब कुछ हम ही करते हैं। राजा को बालक देखते ही पसंद आ गया। अतएव कहा, आज के बाद प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर साहब, इस बच्चे का खर्चा राज्य से आया करेगा, इसे बताने की जरूरत नहीं, कोई इसके मन में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स ना आए, मेरी सहायता राज्य से हो रही है। हालांकि उसे अंदर से पता है कि मेरी सहायता राज्य से होनी ही चाहिए, ऐसा मेरे माता पिता ने मुझे कहा हुआ है, लेकिन राजा साहब कह गए हैं कि इसे पता ना लगे, पढ़ाई खत्म हो गई है, एक छोटी रहने की जगह भी राजा ने चुपचाप उसके लिए बनवा दी है। टीचर से कहा ये वहां रहा करेगा, इसके खाने का प्रबंध, पूरे प्रबंध का ध्यान रखिएगा आप लोग, खाना का खर्चा इत्यादि राज्य पे करेगा। समय बीतता गया, आज पढ़ाई खत्म हो गई है। पढ़ाई खत्म होने के बाद स्कूल का नाम जैसा एक्सपेक्टेड था उसने बहुत रोशन किया। आज उसे जब बोध हुआ ये मकान मेरा नहीं, किसने बनाया है, थोड़ी थोड़ी सूचना उसे मिलनी शुरू हो गई, हो गया कि राजा साहब की तरफ से सारा प्रबंध, सारी व्यवस्था उनकी तरफ से है। अतएव आज राज दरबार में बड़ा डरता डरता गया है। कहा, राजा साहब, और कहा एक मैट्रिक पास लड़का, उस वक्त 10वीं कक्षा होती होगी, एक मैट्रिक पास लड़का
मेरी औकात क्या है, राजा साहब के सामने पर गया है आज, जाके राजा साहब को प्रणाम किया, झुक के प्रणाम किया, अपना मस्तक धरती पर रख के प्रणाम किया। राजा उस होनहार बालक को देखते हैं, राजा ने अपने मन ही मन में उन्हें पुत्र स्वीकार कर लिया हुआ है, ये मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अतएव उसकी विनम्रता को देख के तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं राजा, वाह तू वाक्य ही मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। एरोगेंट को क्या करना उत्तराधिकारी बना के, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, उसके अंदर सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर सबके प्रति हित होना चाहिए। वह दूसरों के दुख को देखकर सुनकर दुखी होने वाला होना चाहिए, ऐसा ही उत्तराधिकारी राजा को चाहिए था, और ऐसा उत्तराधिकारी उस बालक में राजा को दिखाई देता है। अतएव राजा बहुत प्रसन्न है, धीमी सी आवाज हाथ जोड़ के कहा, राजा साहब, प्रजापालक, ये बालक आपका धन्यवाद करने के लिए आया है, आपने इस बालक के लिए बहुत कुछ किया है ऐसा मैंने सुना है, मेरा पालन पोषण, मेरी पढ़ाई का खर्चा, मेरे रहने की व्यवस्था इत्यादि जो कुछ भी आपने की है, मैं धन्यवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं एक गरीब बच्चा हूँ। राजा साहब कहते हैं, बेटा जिस दिन तुम्हें पहले दिन देखा था उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये मेरा बालक है, तेरी जगह वहाँ नहीं, देख अपने सिंहासन के साथ मैंने तेरा सिंहासन भी लगा रखा हुआ है, आके इधर बैठ। यही हालत देवियों सज्जनों हमारी है, क्योंकि हम जानते नहीं उस परमात्मा सुहृत को, वह हर वक्त हमारे अंग संग है, हर वक्त हमारे साथ खड़ा है, हाँ नजर नहीं आता वह दूसरी बात है, लेकिन वह हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हमारे अंग संग है, उसने हमारे पालन पोषण इत्यादि की जिम्मेदारी अपने सिर पर अपने कंधों पर दी हुई है। जो ऐसा स्वीकार करते हैं, जो ऐसा स्वीकार नहीं करते उनकी इच्छा है, वे खुद कमाएं खुद खाएं इत्यादि इत्यादि, उनके अंदर तो कर्तापन बना रहता है, ये तो उनका है जिनके अंदर कर्तापन नहीं है, जो ये मानते हैं परमात्मा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसे मानने वालों का योगक्षेम ही सब कुछ साधकजनों परमात्मा अपने कंधों पर वहन करता है। जिन साधकों को ऐसा विश्वास, वह परम शांति को लाभ कर लेते हैं। मुझे चिंता किस बात की है, जिसकी चिंता राम करे उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा एक साधक का विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास साधक चुनो सामान्य व्यक्तियों का तो डगमगाता रहता है, न जाने दिन में कई बार उनको इस बात पर शंका होती है, लेकिन यदि किसी साधक को भी ऐसी शंका हो तो परमात्मा को कितना कष्ट होता होगा। सोचें देवियों सज्जनों, हम दिन में परमात्मा को कितनी बार कष्ट देते हैं, हम साधकों में ये कोई कम नहीं है, हम साधक जितने शंकाशील होते हैं उतना शायद सामान्य व्यक्ति नहीं होता, क्यों, सामान्य व्यक्ति तो परमात्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं है, हम मानते हैं हम उन्हें पूछते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि शंकाशील हो जाए, संशय हमारे अंदर आ जाए साधक क्षणों, तो परमात्मा को बहुत कष्ट होता है। जो नहीं मानता उसको तो रोटी रोजी न मानते हुए भी वह देता रहता है, लेकिन एक साधक के लिए परमात्मा को बहुत कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है। बाबा नानक आज साधक क्षणों किसी पीर से बात कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं, पीर साहब इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है और सही होता है, परमात्मा की करनी में कोई गलती नहीं, आपको याद है ना चर्चा यहीं से शुरू हुई थी, परमात्मा की करनी में कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई अत्याचार नहीं, सब कुछ सही ही सही, हाँ हमारी बुद्धि का दोष हो सकता है, वह देख नहीं सकती, वह सही देख नहीं सकती, अतएव संशयशील शंकाशील बुद्धि हो जाती है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में उनके विचारों में किसी भी प्रकार का कोई अहित, किसी के लिए कोई गलती त्रुटि नहीं है।
पीर साहब को ये बात जची नहीं, मन में शंका हो गई। पीर मानो बाबा नानक की तरह उन्हीं के स्टेटस के व्यक्ति, वे हिंदू हैं वे मुसलमान हैं, इसके अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं। दोनों परमात्मा के प्यारे हैं, दोनों परमात्मा के भक्त हैं, लेकिन इनके मन में संशय आ गया है। परमात्मा की कुदरत देखिएगा, चलते चलते सागर का किनारा आ गया, वर्षा होनी शुरू हो गई। पीर कहता है, नानक देख, तू कहता था परमात्मा की करने में कोई दोष नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, ये वर्षा भी तो उसकी इच्छा से ही हो रही है ना। हाँ, बाबा नानक ने झट से कहा, एक सागर को वर्षा की क्या आवश्यकता है, प्रश्न है पीर का। शंकाशील पीर का प्रश्न बाबा नानक को, इस सागर को वर्षा की क्या आवश्यकता है, इससे तो पहले ही पानी इतना भरा हुआ है, काश ये वर्षा रेगिस्तान में होती, वहां पानी उनको मिलता, उनकी भूमि उपजाऊ होती, उनके खेत हरे भरे होते, इत्यादि इत्यादि। बाबा नानक चुप रहे। इतनी देर में चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंचे हैं, वहां पर एक साधुओं की मंडली बैठी है, संत महात्मा बैठे हुए हैं, ये दोनों भी वहीं बैठ गए। भोजन का समय हुआ। देवियों सज्जनों, कहानी इस प्रकार की है, जितने भी वहां बैठे हुए थे बाबा नानक सहित, सबके लिए दिव्य भोजन की थालियां आई, एक उस पीर को छोड़ के, तुझे नहीं दूंगा, तू मेरा भक्त होते हुए भी तेरे मन में मेरी करनी के प्रति ये शंका, यू डोंट डिजर्व ए मील। सामान्य व्यक्ति के साथ परमात्मा ऐसा नहीं करते, विश्वास रखिएगा, लेकिन इस पीर के साथ परमात्मा ने ऐसा किया। झट से महंत ने पूछा, संत महोदय, क्या परमात्मा की करनी में कोई दोष देखा है? हाँ, क्या दोष दिखाई दिया तुम्हें? वहां के महंत जो बैठे हुए थे उनने पूछा, कहा, अभी अभी सागर के किनारे से निकला हूं, वर्षा हो रही थी, अतएव मन में शंका उठी, यहां सागर को वर्षा की क्या आवश्यकता है, वर्षा होनी ही थी तो राजस्थान में होती, वहां की भूमि को कुछ लाभ होता, उस राज्य को कुछ लाभ होता, इस सागर को वर्षा की क्या आवश्यकता है? महंत कहते हैं, है। बहुत से पीर जी, बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो सागर का खारा पानी ग्रहण नहीं करते, वे इसी वर्षा की प्रतीक्षा में होते हैं। परमात्मा को तो उनकी भी सोच है ना, परमात्मा को तो उनको भी देना है, परमात्मा की करनी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो साधकजनों, इसी के साथ ही इस चर्चा को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा साधकजनों, हमारा विश्वास परमात्मा की ऐसी करनी के प्रति कभी डगमगाए ना। संशय शंका ये साधकजनों एक साधक के शब्द नहीं है। गीता जी संशय को बहुत घृणित वर्णन करती हैं। संशयशील व्यक्ति विनाश को प्राप्त होके रहेगा, विनाशात्मक वृत्ति है ये संशय, ये सकारात्मक नहीं है। अतएव हमारे मनों में साधक जनों, चूंकि हम साधक हैं इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे मन में कभी किसी भी प्रकार का संशय परमात्मा की करनी के प्रति, किसी भी प्रकार की शंका कभी उठनी नहीं चाहिए। धन्यवाद।